नरवाना कस्बे की नई अनाज मंडी में पीआर धान की आवक लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते मार्केट कमेटी कार्यालय के गेट के सामने भी अब धान की डेरियां लगी हुई हैं, जिसके चलते अधिकारी भी अपने कार्यालय में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। बद्दोवाल टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों ने कहा कि किसानों के हकों को हड़पने वाली भाजपा की केंद्र सरकार कभी भी चैन से नहीं बैठ सकेगी, और रही बात नए कृषि कानूनों की तो वे किसान हर हाल में रद्द करवा कर ही सांस लेंगे। सोमवार को फिर टूटी नरवाना कुलाना रोड पर स्थित रेलवे फाटक, राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। कर्मचारियों ने कहा एक तरफ की फाटक टूटी होने के कारण हो रही है परेशानी। गढ़ी पुलिस ने खरल गांव से एक व्यक्ति को नाजायज शराब की 10 बोतलों के साथ गिरफ्तार किया है। गढ़ी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खरल गांव का जय भगवान नाम का एक व्यक्ति अवैध रूप से नजायज शराब की तस्करी कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे 10 बोतलों के साथ गिरफ्तार कर लिया। धरोदी गांव से एक ट्राली चोरी हो जाने के बाद सदर पुलिस ने सतवीर नाम के एक किसान की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। सदर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार किसान सतवीर ने बताया कि गत रात्रि उसकी ट्रैक्टर वाली ट्राली गली में ही खड़ी थी, लेकिन सुबह देखा तो वहां से ट्राली गायब मिली, जिससे उसे लगभग 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है।